देश की सुरक्षा के लिए बात करें, कर ली सुरक्षा, बहुत सुरक्षा कर ली। क्या बोल रही है, इधर आइए। अरे खुद की सुरक्षा वो कर ले, वे करा उन्हें सुरक्षा। अच्छा। देश की तो कर नहीं रही है, देश का सुरक्षा नहीं है, सूखा बना कर रख दिया देश को। अगर दीदी आएंगे अच्छे दिन लाएंगे, भिखारी बना कर रख दिया। एक मिनट कहाँ जा रही हैं आप? कभी 120 रुपए किलो गुलावर बिका था, कभी 120 रुपए किलो रिंगर बिके थे। लेकिन सरकार तो बोलती है महंगाई है ही नहीं, महंगाई जैसा कुछ शब्द ही नहीं। हाँ, पर उनको खरीदना नहीं पड़ता ना। हाँ। उनके वो पैसे वाले हैं ना, उनके पास नोटों की मशीन है ना। किसके पास नोटों की मशीन? मोदी जी के पास। अरे हाँ। वो तो बोलते मैं फकीर आदमी हूँ। अरे वो वो झोला लेके फिरेंगे, हम थोड़ी फकीर है, बदुआ लेके फकीर ही होने वाले हैं ना, हम झोला लेके फिरेंगे। अरे आंटी तो ले रखी है झोला। अरे तो झोला तो मेरा सब्जी को लिया है, थोड़ी मांगने को लिया आएगा। अच्छा, वो फकीर है नहीं तो हमें भी फकीर बना दिया मोदी जी ने। फकीर बन गए हैं क्या? फकीर ही बन गएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी और इस समय हम गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर चुनाव कुछ महीने में होने वाला है और चुनाव से रिलेटेड जनता से जानेंगे कि किस तरह से कितना विकास इन 27 सालों में बीजेपी की राज में हुआ है। क्या लग रहा है चाची, विकास हो रहा है क्या गुजरात में? विकास ही हो रहा नहीं और कुछ क्यों? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल है, पूरे देश में चल रहा है और विकास खूब हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, घर में 10 जने हैं तो 10 कमाए तो भी गुजारा नहीं है। 10 कमा रहे फिर भी गुजारा नहीं है, कोई वही नहीं मिलती नहीं है बिल्कुल। हाँ सही में 10 गुजार, लेकिन वो तो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं निकाले और सारा हमारी जो पार्टी है महिलाओं के लिए। महिलाएं कमाने के लिए जाएंगी? हाँ मर्द कमाएंगे कि महिलाएं कमाएंगी? महिलाओं को क्या योजनाएं निकाली है महिलाओं के लिए? बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो गई है, महिलाएं कहीं भी घूम सकती है, 10 किलो सोना भी पहन के जाएंगी तो कोई छीनेगा नहीं। ऐसा है? अच्छा आधा तोले की कोई निकलो, क्या बोल रही है? आधा तोला पहन के बाहर निकलो, गर्दन भी काट के ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया भी चोर है, मोदी भी चोर है, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री चोर है, कुछ भी हो प्रधानमंत्री। डर नहीं लग रहा है क्या आप प्रधानमंत्री को? चोर करेंगे, मार डालेंगे और क्या करेंगे। प्रधानमंत्री उसके घर का होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं प्रधानमंत्री हम हमारे घर के, वो उसके घर का। किसके घर का? चलता है उसको बोला। अच्छा चलता ही बोला, कभी चलाया? अच्छा। चाय वाले ने देश चलाया है उसको, चाय वाले तो चला रहे हैं देश, और कौन चला रहा है? चला रहा है तो इसके लिए चाय जैसा देश हो गया है, लूला लंगड़ा इसके लिए लूला लंगड़ा। अच्छा अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं चाय से नफरत है क्या? अरे चाय तो खूब पीते हैं, चाय से नफरत नहीं है। चाय खूब पीते हैं लेकिन चाय वाला पसंद नहीं है। ये दूध का भाव देखो, 5 रुपए की लीटर वाली थी, आज कितना हो गया? 3 दिन के दूध की वो है, बंद है दूध। किसी को खबर है? 20 रुपए किलो पुलावर बिका था है, कभी 120 रुपए किलो पुलावर बिका था, कभी 120 रुपए किलो रिंगर बिके थे। लेकिन सरकार तो बोलती है महंगाई है ही नहीं, महंगाई जैसा कुछ शब्द ही नहीं। हाँ, पर उनको खरीदना नहीं पड़ता ना। हाँ। उनके वो पैसे वाले हैं ना, उनके पास नोटों की मशीन है ना। किसके पास नोटों की मशीन? मोदी जी के पास। अरे हाँ। वो तो बोलते मैं फकीर आदमी हूँ। अरे वो झोला लेके फिरेंगे, हम थोड़ी फकीर है, बदुआ लेके फकीर ही होने वाले हैं ना, हम झोला लेके फिरेंगे। अरे आंटी तो ले रखी है झोला। अरे तो झोला तो मेरा सब्जी को लिया है, थोड़ी मांगने को लिया आएगा। अच्छा, वो फकीर है नहीं तो हमें भी फकीर बना दिया मोदी जी ने। फकीर बन गए हैं क्या? फकीर ही बन गएंगे, जो साग भाजी पे हाथ भी नहीं लगाने देता कोई भी। इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो तुअर की दाल है, देखिए कभी 170 रुपए। तो आप बताएंगे इतनी महंगाई हो गई फिर भी सरकार है कैसे? वो तो उनको पता, सो रही है ना सरकार, आराम तो कर रही है। कहाँ सो रही है, कहाँ सो रही है बताइए? आज ये देश जाता हूँ, कल ये देश जाता हूँ, तो इसको देश चलाने के लिए भेजा है, घूमने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री है, इतना तो हक उनका बनता है कि एक देश से दूसरे देश जाके वहाँ के राष्ट्रपतियों से बात करें। क्या करा राष्ट्रपतियों से बात करके? देश की सुरक्षा के लिए बात करें, कर ली सुरक्षा, बहुत सुरक्षा कर ली। क्या बोल रही है, इधर आइए। अरे खुद की सुरक्षा वो कर ले, वे करा उन्हें सुरक्षा। अच्छा। देश की तो कर नहीं रही है, देश का सुरक्षा नहीं है, सूखा बना कर रख दिया देश को। अगर दीदी आएंगे अच्छे दिन लाएंगे, भिखारी बना कर रख दिया। एक मिनट कहाँ जा रही हैं आप?
ये बोल रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज पाकिस्तान हमला कर देता भारत पे। बराबर। अच्छा है उन्होंने वही भारत पाकिस्तान को ही देश में बांट दिया है। हाँ। दो ही काम करे, कभी भारत कभी पाकिस्तान। अरे देश की जनता क्या करती है वो देख, देश की गरीब जनता भूखी मरती है फुटपाथ पे वो देख। भारत पाकिस्तान के लिए तेरे को देश में नहीं बिठाया हमने, तो भारत पाकिस्तान कर खावे। तो वो देश की सुरक्षा आप उसी देश में रहती है ना, अगर कोई पड़ोसी देश या कोई दुश्मन देश हमला करेगा तो एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा दे। ये है हम इस पे क्यों हमला करेंगे, इन्होंने कुछ करा होगा तो हम हमला करेंगे, ये हमारे पड़ोसी है। हाँ। ये लोगों को भूख से मारते दिया है तो लड़ने के लिए क्या पब्लिक जाएगी, महंगाई इतनी कर दिया भूख से मारते दिया इंसान। सरकार तो राशन दे रही है ना, भूख से कैसे मर रही है? क्या दे रही, जिसके पास राशन कार्ड है उसको राशन मिल रही है और जिसके दे रही है। क्या क्या बोल रही है? वो बकरे ना खावे ऐसे गेहूँ दे रही है, वो गेहूँ का क्या करेंगे हम? मोदी जी यही चावल खाते हैं जो जनता को देते हैं। तो आपके हिसाब से मोदी जी कौन सा चावल खा रहे होंगे? वो क्या खबर कौन सा अच्छा चावल खा रहे होंगे, वो तो मोदी जी 1000 रुपए किलो वाला मशरूम खाते हैं। मशरूम उसकी 50-50-60 हजार की तो डीस होती है मोदी जी की। 50 रुपए की डीस महंगी पड़ जाती है। मोदी जी की हमने देश ऐसे इंसान को दे दिया है, एकदम बेकार इंसान। आज हम घर किसी को भाड़े से देते ना, तो आज हम किसी को घर भाड़े से देते ना तो हम इसकी 10 जांच पलकार करते कि ये बंदा कहाँ का है, किधर का है, इसकी वाइफ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं। तो हमने देश ऐसे इंसान को दे दिया झोला छाप, जो कि उसको उसकी उसने कभी अपनी बीवी को ही नहीं समझा, अपनी माँ को ही नहीं समझा। माँ उसकी एक मिनट, हाँ। उसकी खुद की माँ तो आश्रम में। तो वो अच्छा एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री हैं पारिवारिक मामला अलग होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के माँ बाप के बारे में इस तरह से बोलना कहाँ तक जाएगा? एक मिनट, अभी आपने ये बोला कि किसी देश के प्रधानमंत्री के माँ बाप को बोलना कहाँ तक जाएगा? हाँ। राइट। तो जब वो बंदा हमारे हिंदू मुसलमान पे दरगाह पे नमाज पे सब पे रोक टोक लगा, तो ये कहाँ जाएगा बताओ? ये जाएगा भाई? जाएगा नहीं। लेकिन आप दरगाह और इस तरह की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का काम है देश को चलाना, हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चलना, एकता को बना के रखना, गरीब की सुनना। तो पहले ही से बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मस्जिद तोड़ी, चलो कोई बात नहीं। मंदिर तोड़ा, कोई बात नहीं। रस्ते में नड़चड़ होगी, तोड़ दिया, कोई बात नहीं। पर हिंदू मुस्लिम दिल तो ना तोड़ो, भाई भाई को अलग तो ना करो। देश के अंदर विकास का तुम नाम का नारा लगा रहे, कहाँ पर है विकास? आपको मैं बताती हूँ, ये रोड के ऊपर इतना बड़ा गड्ढा बना है मोदी जी का विकास। अभी तो एक भाई साहब बोल रहे थे एकदम लंदन जैसी सड़क है, आप बोल रहे हैं कि सड़क टूटी हुई। लंदन जैसी सड़क हो, कश्मीर जैसी है, लंदन जैसी। बर्फ गिर रहा है क्या इस पे? बर्फ गिर रहा है कश्मीर में, तो बर्फ गिरता नहीं जा रहा, इतना बर्फ गिर रहा है। तो कहाँ रखी हो बर्फ? अरे वो कमरों में भर दिया है ना। अच्छा, सही बोल रहे, सही बोल रहे। तो कमरा फिर एसी लगाने की जरूरत नहीं, है? एसी नहीं, कूलर नहीं, हमारी औकात कहाँ आएगी एसी कूलरों की रहने लायक? हम तो रोड पे रहते हैं, गरीब आदमी है। रोड पे कैसे रहेंगे आप? ऐसे ही रहते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं तो गए तो ऐसा ही हो रहा है, रोड पे तो आ गए और क्या होएगा, रोड पे आ गए। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बोलती है जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। झुग्गी वालों को भी तो कहाँ रहने दे रहे हैं? एक अभी आपने इनसे ये सवाल करा कि जहाँ झुग्गी वही मकान, बराबर। तो वो झुग्गी वाले भी तो बेचारे रोड पे हैं आज, वो कितने लोगों ने किस तरह से मकान बनाया है और आप उसके मकान पे बुलडोजर चला रहे हैं। आपको पता है कि वो बंदे ने कितनी मेहनत से मकान बनाया होगा? आज वो सीते मोदी जी ने ना, तो सिर्फ उन्होंने उद्योगपति का विकास करा है, उन्होंने सिर्फ उद्योगपति का, जैसे धीरूभाई अंबानी देश के उद्योगपति का अपना जो बिजनेस रन करते हैं, तो वो चलना नहीं चाहिए क्या? वो देश के लिए नहीं बैठे, गरीब जनता के लिए नहीं बैठे, वो उद्योगपति के लिए बैठे। वो जो भी सेवा कर रहे हैं ना, वो उद्योगपति के लिए कर रहे, वो गरीब के लिए नहीं कर रहे। क्या उन्होंने कोई गरीब के घर में झांक कर देखा कि आज एक मजदूर इंसान जो रोज 100 रुपए कमाता है, जो रोज 50 रुपए कमाता है, 200 रुपए कमाता है, तो वो 100 रुपए के अंदर वो सटल में बैठकर मजदूरी आता है और वो घर चलाएगा कि अपना खुद का किराया देगा कि बच्चों का देखेगा कि क्या देखेगा वो? मोदी समझ नहीं पड़ रही है मोदी जी ने, क्योंकि जब मोदी जी को कहाँ से समझ पड़ेगी? ना ही तो मोदी जी के बच्चे हैं, ना ही तो मोदी जी की वाइफ है, ना ही मोदी जी की माँ है। तो विदेशों में डंका कैसे बज रहा है?
पूरे जो बीजेपी है वो बोल रहे हैं आज विदेशों में मोदी है तो डंका बज रहा है और देश का नाम बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। हाँ, तो मोदी जी है तो देश का, तो मोदी जी फेंकू, मोदी जी चोर, मोदी जी झूठा, मोदी जी सबको क्या बोले एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे सब मंत्री बनाने वाले भी हम ही दे। हमने मर्यादा तो रखी है थोड़े, कैसी मर्यादा? उन्होंने देश के लिए मर्यादा रखी, गरीब की संता, गरीब जो भी है, गरीब जो भी है उसका उन्होंने देखा। मोदी जी को चाहिए कि आए जनता के बीच में, आए चाहे वो हिंदू की जनता हो चाहे वो मुसलमान की, जनता के बीच में आए और आकर देखे कि गरीब कैसे भूखे मर रहे, गरीब के पास रोजगार नहीं, और जिनके पास रोजगार था कोरोना के नाम से छूट गया, कोरोना के नाम से रोजगार छूट गया बराबर। तो मोदी जी ने पूछा कि भाई जिनको तुमने कोरोना के नाम से निकाल दिया है, जिनको कोरोना, उनको जिससे जॉब छूट गई है, आज उस बंदे के घर में देखो, आज आप आओ मेरे संगत, हजारों घर यहाँ पर ऐसे है क्या जिनके घर में सुबह खाना पकता तो शाम को नहीं पकता, वो भूखे सो जाते हैं। तो इस बार लग रहा है मोदी जी अभी आप मेरे से सवाल मत करो, मैं आपसे और मोदी जी से कर रही हूँ। अच्छा। और आप ये मेरा न्यूज देना, आप बिल्कुल देंगे क्यों नहीं? मैं मैसेज मोदी जी को देना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ ना सबका विकास? किधर है, किधर है, किधर है सबका साथ सबका विकास? आप बताएंगे ना? उनका विकास उनका उद्योगपति के लिए, अच्छा गरीबों के लिए नहीं है। वो दुनिया को खाली ऐसा आईना दिखा रहे, दुनिया को सिर्फ आईना दिखा रहे, वो भी आईना कौन सा, झूठ का आईना दिखा रहे, सच का आईना नहीं दिखा रहे। तो क्या इस बार बीजेपी या मोदी जी का जादू गुजरात में नहीं चलेगा क्या? मेरा, मैं इतना जानती हूँ कि अगर मोदी जी सच्चाई की तरह ईमानदारी की तरह वोटिंग करावे तो 100% नहीं है। तो जब हम लोग टीवी पे देखते हैं गुजरात मॉडल की बात होती है तो एकदम चमका चमका हुआ दिखाते हैं कि चमक रहा है जी, ब्रिज बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उद्योग आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं। अच्छा अभी आपने ब्रिज की बात करी तो अभी मेरे को ये बताओ ब्रिज की बात लेकर के कि कौन इंसान है कि जो ब्रिज के पर गरीब के पास गाड़ी है क्या भाई? यहाँ पे से किसके पास गाड़ी है, किसके पास फोर व्हील है, कौन जाता है रोज फिरने? गरीब जाता है ना, आप जाते ना मैं जाते, उद्योगपति जा रहे हैं। अच्छा। उद्योगपति की फरूत तो उन्होंने विकास, एक मिनट एक मिनट, बात को आप बोल रहे हैं कि ब्रिज पे सिर्फ उद्योगपति जा रहा है, अब कोई सड़क या ब्रिज बनेगी तो जरूरी है उस पे एक आदमी जाएगा, सभी वर्ग और सभी समुदाय और सभी लोग जाएंगे। मेरे पत्र माधव आपकी बात सब सही है बराबर, राइट, आप जो बोल रहे सब सही बोल रहे बराबर। मैं इतना जानती हूँ कि रोड को मारो गोली, ब्रिज को मारो गोली बराबर, उद्योगपतियों के लिए ही बनाए। मैं आपको बार बार एक ही सवाल करी और आप वही सवाल करो, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, वही रिपीट हो रहा है। सिर्फ विकास उद्योगपति का ही हुआ है, गरीब का बिल्कुल नहीं हुआ है। गरीब का रोजगार छीना ये विकास, गरीब के पैसे महंगाई हुई ये विकास, गरीब आज भूखा मर रहा है ये विकास, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे ये विकास, मेला रोड पे कुछ भी नहीं जा सकती है ये मोदी जी का विकास। अच्छा। साग भाजियों के बिलारी पे चले जाओ, दुनिया की साग भाजी महंगी है, ये मोदी जी का विकास। तो मेरे को बताओ मोदी जी ने किसका विकास करा? अच्छा जब इतनी परेशानी है तो 27 साल से सरकार कैसे रही ये बताइए। मोदी जी ईमानदारी से आ जाए, जो हमारे पहले वॉलेट पे से होता था चुनाव, आ जाए ऐसे वॉलेट पेपर पे करे, मैं आपको छाती ठोक कर। अगर आप बोल रही है की वॉलेट पेपर से हो जाए और ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो दिल्ली जीते, एक मिनट, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जीते, पंजाब जीते, वहाँ भी ईवीएम से सारा कुछ हो रहा है, और फिर वहाँ पर सरकार कैसी आ गई? वहाँ पे भी तो बेईमानी हो सकती थी। देखिए मेरे भाई, इसमें ऐसा है सर कि ईवीएम है ना जगह जगह पर हैंग हो जाते हैं। अच्छा। बराबर, जहाँ पे चकासनी नहीं होती ना वहाँ पे हैंग हो जाते हैं, और गुजरात अहमदाबाद में तो होता ही है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी यहाँ के वो होने जा रहे हैं बराबर, तो मैं मोदी जी को यही मैसेज, यही मोदी जी को देना चाहूँगी कि आप एक बार अहमदाबाद के अंदर मशीन हटा करके चुनाव करके दिखाएं। मैं आपको छाती ठोक के कहती हूँ एक भी चुनाव मोदी जी को चले जाए, क्योंकि चैलेंज दे रही है, चैलेंज खुले आम चैलेंज, एक भी मोदी जी को वोट पड़ जाए ना तो मैं जानूं, क्योंकि हिंदू मुसलमान सारी जनता परेशान है और सबसे ज्यादा लेडीज। अच्छा ये बताइए, लेडीज को आखिरी सवाल आपसे मेरा कि अगर आप परेशान हैं तो कौन सी सरकार या फिर कौन से विचारधारा, कौन से परिवर्तन के साथ जाना चाहती हैं आप? देखिए सरकार कोई भी आए बराबर, मैं तो यही चाहूँगी कि गरीब का ध्यान दे, विकास विकास का नारा ना लगाए, महंगाई खत्म करें कि और रोजगार दे गरीबों को। अच्छा। आज रोजगार नहीं है, सबको घर चलाने में दिक्कत हो रही है,
आज इंसान बच्चे हैं जिद करते हैं संडे के दिन कि हमको फलाने जगह घूमने जाना पापा मम्मी ये वो, तो पापा मम्मी दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आज हम कहीं जाएंगे हमारे किस्से में 500 रुपये, पर किस्से में 500 रुपये तो वो लेके कहाँ जाएंगे, घूमने जा रहे हैं तो उद्योगपति वाले मालदार आज आप रिवर फंड चले जाओ, आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके फिरने, बिल्कुल नहीं, कांकरिया चले जाओ, कांकरिया में पाँव रखने के लिए आपको 50 की नोट चाहिए पहले स्टार्टिंग, फिर अंदर जाने के लिए आपको 500 रुपये चाहिए, आपके खिसे में 1000 रुपये के आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे, तो गरीब अपने बच्चों को लेके भी नहीं जा सकता, ये मोदी जी का विकास, और जो मोदी जी का विकास नहीं था ना तो 100 रुपये में घूम जाते थे। अच्छा सही में, हाँ काकरिया में 100 रुपये की जरूरत नहीं, सब फ्री में था, सब फ्री में, अभी फ्री में नहीं है, बात नहीं रही जाने की, गरीब की रहे ही नहीं, अभी अमीर हो तो जाओ, गरीब हो तो मत जाओ। वीएस हॉस्पिटल जो है आपने देखा होगा, वीएस हॉस्पिटल के अंदर हर गरीब इंसान जाता था। अच्छा फ्री में रहा, आज तुम जाओ पहले स्टार्टिंग घुसते 400 रुपया फाइल है, गरीब कहाँ से कराएगा इलाज, ये मोदी जी का विकास, और क्या चाहिए मोदी जी के विकास में बताओ, ऐसे गिन गिन के बताते हैं। क्या बोले आप, 200 रुपये किलो तेल बिका था, मोदी जी के ही विकास में बिक रहा है ना, बिक रहा है ना, कभी इतनी महंगाई सब्जी पे थी, दालों पे थी, कोई भी चीज पे थी, मकानों पे थी, सोने चांदी पे थी। तो आप सोचती है पहले वाला समय आ जाएगा, कैसे आएगा आपके हिसाब से कैसे आएगा? नहीं है कि इसमें मोदी जी चाहिए या केजरीवाल चाहिए या कोई और मंत्री चाहिए, कोई भी होवे अपन गरीबों की सुविधा होवे, लेकिन अंदर से तो कुछ मन करता होगा ना, हाँ ये पार्टी आने चाहिए या फिर ये लोग अच्छा करेंगे, वो बात नहीं है, ईमानदारी पार्टी चाहिए बस। अच्छा। ईमानदारी हो कोई भी हो हाँ कोई भी हो, ईमानदारी हो, और ये सब चीज पे जो अभी एक हमें घर में एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे के पीछे 5-6 जने इंसान खाने वाले हैं, बराबर, वो इंसान क्या क्या करेगा, भाड़ा देगा, खर्चा देगा, नौकरी नहीं होती, तेल देखो, सब्जी देखो, चावल देखो, भाव तो देखो तुम आज की रेट में, भाव देखो, विकास नहीं है तो क्या है, ये गरीब आदमियों को हैरानी नहीं है तो ये क्या है, नहीं है क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम नहीं होगी, नहीं मेरे को नहीं मालूम, तुम क्या खाते हो, तो खाते नहीं हो, खाते तो लेकिन घर में बनता है ना, घर में तो हमारे तो जंगल में बनता है, घर में ही बनता है ना, महंगाई तो सबका ही चाहिए ना, तुम जनता में नहीं हो, जनता, हाँ जनता में क्यों नहीं है, जनता में नहीं हो, जनता में क्यों, बस तो जनता में हो तो जो जनता की बात अच्छी है ना वो तुम भी बोलो ना हम भी बोले, अगर जनता में नहीं होते तो आपकी बात क्यों सुनते इतने दिन, तभी तो सुन रहे हैं ना, हम तेरा मेरा भी नहीं जानते, हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं जानते, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई सब भाई भाई है, तो जैसे पहले से मिलजुल के रहते हैं ऐसे ही अब रहे हो तो क्या हैरानी है, सही बात है, कुछ हैरानी है। देखिए मोदी जी को चमकाने वाले कोई नहीं, गोदी मीडिया है। अच्छा बराबर, गोदी मीडिया बिक चुकी है मोदी जी ने, मोदी अगर गोदी मीडिया बिक चुकी होती तो तमाम विपक्षी पार्टी जब भी कोई रैली होती है तो उनका विजुअल क्यों दिखाती है? देखो मेरी बात सुनो, दूसरे जो भी चैनल वाले हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, वो इतना नहीं बताते, और जब गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया से क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा, गोदी मीडिया झूठ दिखाती है, गोदी मीडिया गरीबों के बीच में नहीं आती, जनता के बीच में नहीं आती, गोदी मीडिया को जनता के बीच में आना चाहिए, गोदी मीडिया को बताना चाहिए मोदी जी को कि जनता किस तरह से घरों में भूखी सो रही है, ये मोदी जी को नहीं दिखता है, मोदी जी को गोदी मीडिया मोदी जी को वही दिखा रही है जो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी ने गोदी मीडिया खरीद ली है, मोदी जी ने गोदी मीडिया को बोल के रखा है कि मैं जहाँ भी प्रचार कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ बस उसको दिखाओ उसको चमकाओ, ये गोदी मीडिया का काम है कि जो अपने गोदी मीडिया को जो भी मोदी बोल रहा है वही दिखा रहा है, गोदी मीडिया सच नहीं दिखा रही है। चलिए ठीक है, किस तरह से सोचते हैं भैया, क्या इस बार मोदी जी का जादू यहाँ गुजरात में चलने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार मोदी जी का जादू चलने वाला है, कि पहले जो चुनाव हुए उसमें सिर्फ दो ही पार्टियां थी। अच्छा। एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब की बार कुछ बदलाव है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, MIM भी चुनाव लड़ने वाली है, बहुत दूसरे भी अन्य लोग चुनाव लड़ने वाले इस बार। अच्छा। तो इस बार का चुनाव थोड़ा डिफरेंट है, टफ होगा, टफ रहेगा। तो क्या अहमदाबाद की और पूरे गुजरात की जनता सोच रही है, क्या नए विकल्प की सोच रही है, या 27 साल से जो सरकार रही है उसके विकास की ओर जाएगी? विकास का तो मैं कुछ इस तरह से बोलना चाहूँगा कि हमारे गुजरात में विकास तो है लेकिन वो विकास पागल हो चुका है, गुजरात में विकास तो है लेकिन वो विकास पागल हो चुका है, विकास ही पागल हो गया, हमारा विकास पागल हो गया कि इतना पागल हो क्या गया बात कर रहे हैं, विकास रोज टीवी और स्टूडियो में जिंदा रहता है, आप बोल रहे हैं पागल हो गया है,
मैंने बोला मर नहीं गया, पागल हो गया। अच्छा, पागल हो गया। आप पहले समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यूँ नहीं बोला कि आपका विकास मर चुका है, वो पागल हो गया। इतना पागल हो गया है कि जो 500 वाला सिलेंडर है वो 1200 में मिल रहा है। आप समझ सकते हैं ना? बिल्कुल समझ। जो 60-70 रुपए का पेट्रोल मिलता था वो भी 100 के पास चला गया था। तो ये पागल नहीं है तो क्या विकास? जैसा कि आपने सुना, यहाँ तरह तरह के लोग थे और अपने अनुसार अपना मत दे रहे थे। कोई कांग्रेस पार्टी अभी जैसा सुना, और आम आदमी और बीजेपी कड़ा टक्कर इन सबको देते हुए नजर आ रही है। इस तरह की न्यूज गुजरात के चुनावी माहौल में आप देख सकते हैं, और गुजरात में तमाम इस तरह की पार्टियाँ कदम कदम कर आपको एक संकेत दे सकती हैं कि गुजरात का इलेक्शन जो होगा इस बार बहुत ही कड़ा टक्कर होने वाला है, और पूरे प्रदेश में एक विशाल रैली के साथ लोग अलग अलग अपनी राय देंगे, और तमाम इस तरह की पार्टियां एक मुश्किल हालात से भी गुजरेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी है। बीजेपी वही बीजेपी जिसकी 27 सालों से सरकार है, और सरकार रहते हुए वो अपना पूरा दम इस बार गुजरात में लगा देगी, क्योंकि गुजरात एक बीजेपी का गढ़ है, और यहाँ पर किसी भी पार्टी के लिए ये चुनाव आसान नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपने अस्तित्व को बीजेपी बचाने के लिए यहाँ पूरा टक्कर लगे।